तो हेलो गाइस, वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो साइड में बेल का आइकन है इसको भी दबा दो। इसका फ़ायदा ये होगा कि यदि हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस कैसे हो सारे? तो आज मैं इस कैमरे के बारे में बताऊँगा आपको, कैसा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको, मतलब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप देखिए वीडियो की कुछ सैंपल, जो नाइट में कैसी परफॉर्मेंस है कैमरे की, एक्सटर्नल माइक के साथ कैसी परफॉर्मेंस है नाइट में, और ये सब जायरो मोड में कैसी स्टेबलाइजेशन है इसकी, 4K में कैसी है, तो वो सब आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने वैसे भी सारे सैंपल दिखा दिए थे, फास्ट मोशन, स्लो मोशन, टाइम लैप्स वगैरह सब कुछ दिखा दिए, तो उस वीडियो को देख लो पहले जाके। तो अभी आप सैंपल्स देखिए। तो गाइस अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये 180 fps में, जिसमें जायरो मोड अभी ऑन नहीं है, तो आप इसकी स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं स्टेबिलिटी क्या है, और जो अभी जायरो मोड में मैं दिखाऊंगा उसके भी देखना आप क्या है। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो जायरो मोड में है, तो ये देखिए स्टेबलाइजेशन इसकी। तो मैं खूब हिला रहा हूँ इसको, तो ये देखिए मतलब स्टेबिलिटी अच्छी है, आप इसको लेके आराम से चल भी सकते हैं। ऐसे तो ये जायरो मोड है इसका, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में नहीं दिखाया, तो इस वीडियो में दिखा दिया है। तो यार नाइट में आप देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी कैसी है कैमरे की। Stuck in my own bed, trapped in these cardboard walls. I see all these faces, and they don't see me at all. I miss the old days, where time didn't disappear. We talk about our future, and how we get out of sick of. तो गाइस आपने samples देख लिए तो शायद अच्छे लगे होंगे आपको samples, because मेरे को बहुत अच्छे लगे। तभी मैं आपको बताऊंगा ये कैमरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसके साथ आपको एक्सटर्नल माइक फ्री मिलता है। यदि आप कोई अलग से लोगे SD cam वगैरह इसके लिए, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 1500 से 2000 के बीच में, तो यहाँ पे आपको फ्री दिया जा रहा है। तो अभी मैं बात करता हूँ वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, तो वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। यदि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो आप इस कैमरे को ले सकते हैं। ये टक्कर देता है SJ5 को, ठीक है? तो मतलब क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है कैमरे की, कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी तक। तो ये देखिए मैंने कुछ जुगाड़ कर रखा है इसमें एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए, काट दिया इस किट को ताकि एक्सटर्नल माइक लगा सकूँ। मैं चाहता था उस केस में भी लगा सकता था, इसके दूसरे वाले केस में, बट उसमें डर होता है कि कोई आगे से पत्थर वगैरह मतलब रोड़ी वगैरह ना लग जाए छोटे में, तो उससे स्क्रैच आ सकती है लेंस पे, और ये भी डैमेज हो सकता है आपका कैमरा भी, तो इसलिए मैंने ये कारनामा किया। तो यदि आपने लेना है ये कैमरा, मतलब आप इस कैमरे को लेना चाहते हैं, तो आप अमेजोन से भी, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, और यदि आप हमारी तरफ से लेना चाहते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, और मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यदि कोई वहाँ से लेना चाहे तो ले सकते हैं। अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी है बिल्कुल। क्लियरिटी बड़ी ज़बरदस्त है, यही बोलूँगा यार मैं लास्ट में, मतलब बढ़िया है यार। कौन क्या आता है यार 7000 रुपये में आजकल, कोई भी कैमरा नहीं है अभी तक इस कैमरे की टक्कर में, ठीक है? SJ4000 फेल है इसके आगे, कुछ नहीं इसके आगे, टिक भी नहीं पाएगा 2 सेकंड में। तो बहुत अच्छा कैमरा है, 4K में है, तो शायद ही आपको कोई कैमरा मिलेगा इससे। यदि आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं इस कैमरे को। तो अच्छा कैमरा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। तो मैंने अमेजोन का लिंक दिया है नीचे, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं इसको।
डिलीवरी मिल जाएगी आपको 3 से 4 दिन में आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।